इसी व्यापार से कि उन्होंने क्या एक अंशस को दुनिया के सामने पेश किया। मंजिल नहीं थी आपके पास, मुश्तैदी नहीं थे, मरादी नहीं थे, मंजिल है जो इदारा है, इंस्टीट्यूशन है जो ऐबत इमाम में जिससे रहनुमाई की जा सकती है। फिकी मसाइल है, दीनी मसाइल है, लेकिन यहाँ जो तशय्यो को इज्तिमाई मसाइल में दरपेश है, जो तशय्यो की उसकी अपनी हैसियत चयन हो चुकी थी, जहाँ अदालत के सैयद शुहदा में रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही थी, माशियों ने पढ़कर क्यादत का क्यादत की दुनिया क्यादत की सोच क्यादत की फिक्र की दुनिया रखी इस मुल्क के अंदर। बहुत बड़ा राय समझदार काम था, बहुत बड़ा राय समझदार काम था पर शरीर के अंदर, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे तशय्यो के अंदर, जहाँ जहाँ तशय्यो के अंदर ये खराब ना हो जाए तो आपके पास नहीं थी रहनुमाई किससे लेते, इसलिए क्यादत की दुनिया में। और क्यादत का माना है रहनुमाई करना, कौम को गाइड करना और रहनुमाई करना, और जिस अंदाज में क्यादत किया रहनुमाई की वो भी तारीख के अंदर रकम है। जितनी भी क्यादत होती है लामा से मंजिल नहीं कायद है, बड़ कायद है, शुरू होकर बाद के बराबर तक जिस अंदाज में मजबूत अंदाज में दो टोक अंदाज में कादियाना अंदाज में रहनुमाई भी तशय्य के अंदर किसी और मिलत पर शायद इसकी जिसास नहीं मिलेगी। कदर कीजिए इस बात की, ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा एहतराम है। और मैं अभी बात अपनी नहीं करता कि यादत पे तनकीद होनी चाहिए, लेकिन मुस्बत तामीरी और यौजत जाहिर आइए बैठ बैठ कर मेरी ये तकलीर की फर्कियत उठा नहीं होगी, बिगाड़ फसल नहीं पड़ता, कोई शख्स खड़ा होकर बात कर सकता है मुहज्जब अंदाज में, मुहज्जब अंदाज में तामीरी अंदाज में गुफ्तगू कर सकता है। मैं पाबंद हूँ इस बात का कि उसको जवाब दूँ। कुछ नहीं किया क्या लगती है क्या लगती रहनुमाई की, और वो मजबूत पॉलिसियां भी हैं और अब तक पे कायम है। दूसरी बात मेरे पास नहीं है, बात है दो लोग और रोशन बात मेरे पास मौजूद है, जो पॉलिसियां हमने अपनाई हैं वही पॉलिसियां पाकिस्तान की तशय्यों के लिए बेहतर मुस्बत और तहफ़ देने वाली। इसके अलावा कोई और दूसरी बात नहीं, कोई और सोचता है मैं उसके जज्बात की कदर करता हूँ, मैं उसके जज्बात की उसकी अकीदत होगी मोहब्बत होगी कदरदानी करता हूँ, लेकिन जज्बात से पॉलिसियाँ नहीं बनती, लालच से पॉलिसियाँ। पहुंचने नहीं दिया जाता, मिलने नहीं दिया जाता, मुझे ये इतिहास हासिल है
कि कोई शख्स मुझसे मिलने में उसे कोई रुकावट और भेद नहीं हो, मुझसे सवाल करने में, पूछने में, बैठने में, बात करने में कोई मुश्किल नहीं। दूसरी बात तो आपने की बगैर शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीर, एक बहुत बड़ी इंतजार को आप वजूद में लाए हैं यहाँ के तशेष पाकिस्तान का तशेष। ये मामूली बात नहीं है, तारीख नफाज फिक्र फिक्र आप किया कोई जज्बाती अमल सिर्फ नहीं था, एक बड़ी इंतजार की तशेषों के हवाले से एक बहुत बड़ी थी। आप सब लोग उसका हिस्सा था, जो इस मज में इसमें नहीं आए वो भी इसका हिस्सा था। उनको दावत दे दी थी आइए आइए, किसी को मानते हो या नहीं मानते या इसकी बात नहीं है, यहाँ क़यादत की बात है और तशेषों की तारीख की बात है। और कोई शख्स कोई शिया इस तशेषों की तारीख से अपने आप को दानिश शिया बाहर नहीं रख सकता, इसलिए कि ये तशेषों की तारीख है, किसी की जात की तारीख नहीं है। तारीख नफाजे फिर जाते और रुक जाइए, पढ़िए मेरे उस प्रेस रिलीज को जो मैंने 6 जुलाई में मैंने दिया था। लोग समझते हैं तारीख नफाजे फिर जाते या कोई महमूद जो पहले भी तशेषों के बारे में तसव्वुर किया था कि एक महमूद गिरोह है, महमूद सोच है, महमूद रस्में हैं, उसी में रहते हैं, इनका इनका मुल्की मसाइल से, मिल्की मसाइल से, मिल्लत मुस्लिमा के मसाइल से, इस्लाम के मसाइल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने बताया तारीख नफाजे फिर जाफरिया कोई जज्बाती चीज नहीं थी, यहाँ इस्लामाइजेशन हो रहा था, यहाँ इस्लामाइजेशन का नारा लगा था। आपको तो पता है कि यहाँ बाजार में आप खरीदते हैं गुलाम बरान गुलाम बरान गुलाम बरान, और लोगों ने सियासी सुना होगा तो एक पख्तूनिस्तान के दो बरान हैं, एक शाहजादा बरान है और एक मामदरी बरान है। इसमें मैं नहीं जानता कि सियासी इस्तेलाह है, लोगों को शायद आप ये न हो, इसलिए मैं मुझे खदशा रहा हुआ तशय्यों को कि यहाँ किसी खास बरान का इस्लाम नाफिज किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि तारीख नफाजे फिक्र जाफरिया को फिर का वारान चीज नहीं थी, तारीख नफाजे फिक्र जाफरिया तवज्जो दिला रही थी इस बात अंदर कि मुस्लिम सकालों मुस्लिम मुहक्किकों मुस्लिम मुजतहिदीन की आरा और उनके नजरियात से भी इस्तेफादा किया जाए। ये मकसद था तारीख नफाजे फिक्र जाफरिया, सोचिए बात बहुत बुलंद बुलंदी पर चली गई, लोगों ने सोचा इस्लाम की तशरीह के लिए बहुत से मुस्लिम सरकार मौजूद हैं, बहुत से मुस्लिम मुहक्किक मौजूद हैं, बहुत से मुस्लिम मुजतहिदीन मौजूद हैं जिनके यहाँ इश्तिहाद का दरवाजा खुला हुआ है, नस्लन बाद नस्ल मुजतहिदीन चले आ रहे हैं, जिनकी खसूसियत ये है कि हमारे दोस्तों के यहाँ दारुल इफ्ता हैं, फतवे फतवे के घर हैं, मुफ्ती मौजूद हैं, लेकिन मरजियत जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जिसके बाद आप मसला पेश करें तो चंद सेकंडों का इंतजार करना पड़ेगा जवाब हासिल होगा। ये नहीं है कि कहना ये हुकूमत का इंतजामी हमारे से मुश्किल है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन सकाला और हकीकी उस मरहले पर पहुंच चुके हैं तशय्यों के। इसलिए मैं कहता हूँ ये दो बातें याद रखिए, क्या और ये बहुत बड़ी तारीख, मैं सबसे बड़ी अगर करूँ तो बहुत बड़ी तारीख की दूर में आए जिनको एक आईडी ने मिल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, और उसकी बड़ाई और अजमत बहुत सी बातें यहाँ टाइम नहीं है, उसकी बड़ाई और अजमत का ये है कि जितनी भी सर्वे लगी उसके ऊपर इतना ताकत वर बदन था उस तारीख का, जितनी भी सर्वे लगाई इस मुल्क के ताकत वर हल्कों ने, वो तारीख
होती तो मरदास का शरीर कोई और होती तो आज उसका नाम निशान रखा हुआ खत्म किया और अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाया और
समझता हूं। अब मैं पॉलिसियां अपनी जो है वो किसी और वक्त बताऊंगा, एक पॉलिसी बताऊं कि हमारी पॉलिसी मसाइल के हल में कुर्बानी तसाजुम नहीं, मुसल्ला ये तो याद नहीं बल्कि कुर्बानी, वो कुर्बानी जो करबला में शहदा है करबला में, वो कुर्बानी जो हुसैन ने करबला के अंदर उस कुर्बानी से